Divide this money between two boys or among two boys. What do we use? Do you know about that? Let me tell you. Welcome back to my channel and assalamu alaikum guys. कल की जो हमारी वीडियो थी वो थी प्रेपोजिशन के हवाले से, और उसमें हमने टाइम और डायरेक्शन का पढ़ा, और आज जिसके बारे प्रेपोजिशन जिस हवाले से हम बात करेंगे वो है प्लेस. सो प्लेस में जब हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, सो वी यूज़ इन विच पॉइंट, द पॉइंट इन इटसेल्फ. ओके, देन वी हैव द एट, एंड व्हाट इज़ इट यूज़ फॉर? इट्स यूज़ फॉर अ जर्नल विसिनिटी. ठीक है जी, जर्नल सी जगह को के लिए यूज़ करते हैं. देन ऑन, देन वी हैव ऑन. ठीक है जी, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द सरफेस. एंड देन वी हैव इनसाइड विच इज़ समथिंग कंटेन्स. सो वेयर डू वी यूज़ द प्रेपोजिशन इन? वी यूज़ द प्रेपोजिशन इन इन द पॉइंट इटसेल्फ, एट विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज द जनरल विसिनिटी. ठीक है जी, देन वी हैव ऑन विच इज़ ऑन द सरफेस, एंड इनसाइड विच इज़ समथिंग कंटेंड. ठीक है जी, एग्जाम्पल देख ले आप. दे विल मीट इन द कोर्ट रूम. ठीक है जी, दे विल मीट इन द कोर्ट रूम. ही वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर. शी लेफ्ट हर फोन ऑन द बेड. प्लेस द मार्कर इन साइड द ड्रॉअर. ठीक है जी, देन वी हैव रेफर टू एन ऑब्जेक्ट हायर देन. इफ refer to an object higher than a point, we use the prepositions over and above. ठीक है जी, जो ऐसा subject हो जो higher than a point हो, ठीक है जी, we use the prepositions over and above. ठीक है, then we have, if it refer to an object lower than a point, then there is the prepositions which are used as below, beneath, under एंड अंडरनीथ. ठीक है, जो अबव होंगे एट अ सर्टेन पॉइंट, जो अबव होंगे सर्टेन पॉइंट से, वी यूज़ द प्रेपोजिशन एज ओवर एंड अबव. वाइल व्हेन इट रेफर टू एन ऑब्जेक्ट लोअर देन अ पॉइंट, वी यूज़ द प्रेपोजिशंस बिलो, बीनीथ, अंडर एंड अंडरनीथ. एग्जाम्पल्स बेटा देख ले आप. द बर्ड फ्लू ओवर द हाउस. द प्लेट्स वर ऑन द शेल्फ अबव द कप्स. ठीक है जी, अबव द कप्स. Basements are dug below ground. There's hardwood beneath the carpet. The squirrel hid the nuts under a pile of leaves. And the cat is hiding underneath the box. ठीक है जी, then we have when it refer to an object close to a point. ठीक है जी, refer to an object close to a point, use the prepositions by, near, next to, between, among and ऑपोजिट. ठीक है जी, जब क्लोज टू अ पॉइंट हो तो फिर कौन से प्रपोजिशन यूज होते हैं? बाय, नियर, नेक्स्ट, बिटवीन, अमंग एंड ऑपोजिट. सो द गैस स्टेशन इज बाय द ग्रोसरी स्टोर. द पार्क इज नियर हर हाउस. पार्क योर बाइक नेक्स्ट टू द गैराज. देर इज अ डियर बिटवीन द टू ट्रीज. There is a purple flower among the weeds. The garage is opposite the house. जो शुरू में हमने बात की between और among की, तो बेटा एक बात समझ ले कि जब दो लोगों की बात हो रही हो, दो बंदों की बात हो रही हो, तो you will use between. जब more than two हो फिर क्या होगा? फिर क्या चीज़ use होगी? Among. So when you say divide the money between the two guys, or you can say distribute the money among the class boys or girls, or like अगर दो बंदों की आप बात कर रहे हों तो between use होगा. अगर more than two की बात हो रही हो तो फिर क्या चीज़ use होगी? Among. I hope it's clear, and it is ये जो topic है, this preposition topic is continued until the next video. ठीक है जी, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.